देखिए आज की क्लास में हम देखेंगे मल्टीमीटर की सहायता से जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है इसकी शॉर्टिंग को हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये मोटर हमारी क्या थी, शॉर्ट थी, इसे हम चेक कर रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो मल्टीमीटर की हमारी ये प्रोब होती है कॉमन वाले को हम यहाँ पर ब्लैक वायर लगाते हैं, और जो हमारा ये रेजिस्टेंस का दिखा रखा है इसमें हम अपनी येलो लाइट को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारी मल्टीमीटर की ये नोब होती है इसे हम कंटिन्यूटी में सेट करेंगे। कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद देखिए ये हमारा कंटिन्यूटी का निशान होता है, इस पर सेट करने पर देखो इस प्रकार की बीप की आवाज़ देता है। देखो दो टर्मिनलों को शॉर्ट करने के बाद अब हम शॉर्टिंग चेक करने के लिए क्या करेंगे, अपने इस मल्टीमीटर की एक प्रोब को कहीं पर भी मोटर की बॉडी के साथ टच कर देते हैं। देखो इस बोल्ट में कर रहे हैं हम एक बार, या शाफ्ट में कर रहे हैं, कहीं भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इस प्रकार हम ये एक वायर को हम कनेक्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी के इस बोल्ट के साथ, और दूसरे को चेक करेंगे हम इसके सारे वाइंडिंगों के साथ। देखिए इस प्रकार से, तो पहली वाइंडिंग में हमारा शॉर्टिंग नहीं आ रही है, इस वाली वाइंडिंग में देखो ये बीप की साउंड कर रहा है क्योंकि इसमें हमारी क्या है, शॉर्टिंग है। उसके बाद नेक्स्ट वाइंडिंग चेक करते हैं, फिर उसके बाद देखिए इसके नीचे वाले पॉइंट में भी शॉर्टिंग है, इस पर शॉर्टिंग नहीं आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट में चेक करेंगे, इस पर भी शॉर्टिंग नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे एक वाइंडिंग के दो टर्मिनलों में क्या है, शॉर्टिंग दिखा रहा है वो। इस मोटर को अब खोलेंगे हम, उसके बाद इसकी शॉर्टिंग को ठीक करने के बाद इसको हम चेक करेंगे, ठीक है, कि हमारी मोटर सही हुई है या नहीं हो पा रही है। अब देखिए इसकी शॉर्टिंग दूर करने के बाद हम चेक करते हैं, तो एक सिरे को हम बॉडी से रखेंगे देखो इस प्रकार से, और दूसरे सिरे को मल्टीमीटर के कहीं भी टर्मिनल में टच करते हैं। देखो इसमें शॉर्टिंग नहीं आ रही है अभी, इसमें शॉर्टिंग थी, देखो ये भी ठीक हो चुकी है अब। इसके बाद नेक्स्ट में, उसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट में, और इसके बाद सब में भी चेक कर लेते हैं कर रहे। इस प्रकार देखिए कहीं भी हमारी कोई शॉर्टिंग मोटर में नहीं है। तो इस मोटर को हम क्या करेंगे अब, चला के एक बार चेक करेंगे। देखो इस प्रकार ये मोटर हमने कनेक्ट कर दिए यहाँ पर, और इसके जो 6 वायर निकले थे वो यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं। अब इस प्रकार से अब देखिए इसको इस प्रकार से ये मैनुअली हमारे पास स्टार डेल्टा स्टार्टर की सहायता से हम चलाएंगे। चलाने के लिए देखो पहले हम इस मोटर को नीचे की ओर स्टार में चलाएंगे। देखो स्टार में मोटर रन कर चुकी है अभी हमारी, देखिए ये चल रही है मोटर। इसके बाद इसे हम ऊपर की तरफ डेल्टा में डाल देंगे, देखो डेल्टा में कनेक्ट हो चुकी है, और हमारी मोटर में जो शॉर्टिंग थी ये दूर हो चुकी है, और ये मोटर देखो अच्छी प्रकार से यहाँ पर रन कर रही है। तो इस प्रकार से हम मोटर की शॉर्टिंग को चेक कर सकते हैं, और शॉर्टिंग चेक करने के बाद इसको हम ठीक कर सकते हैं, और अपनी मोटर को हम यहाँ पर बढ़िया करके रन करा सकते हैं, ठीक।